स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 10 के सिलेबस में अवतरित प्रोज का फर्स्ट चैप्टर द एन्चेंटेड पूल रिटन बाय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पढ़ने वाले हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इनका जन्म 10 दिसंबर 1878 को हुआ था और इनकी मृत्यु 25 दिसंबर 1972 को हुई थी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, एक लेखक थे, एक राजनीतिकार थे और ये स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक भी थे। इनको भारत के सर्वोच्च पद या सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। यह पाठ महाभारत से अवतरित है। पांडवों को जब अज्ञातवास मिला तो और उस अज्ञातवास में उन पांडवों का परीक्षण करने के लिए यक्ष ने यम का रूप लिया और उनसे प्रश्न पूछा और युधिष्ठिर ने उन सबका जवाब दिया। तो टाइम वेस्ट ना करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को समझने के लिए इस लेसन को, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनाइक्सिटी एंड थर्स्ट। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। कैन दे हैव फेंटेड आर डेड ऑफ थर्स्ट अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। तो इसको स्टार्ट करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड, युधिष्ठिर ने प्रतीक्षा किया फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों की, इन एनेक्स्टी चिंतापूर्वक एंड थर्स्ट और प्यास से व्याकुल होकर। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का प्रतीक्षा की प्यास से व्याकुल होकर और कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, क्या वे, सब्जेक्टेड मतलब शिकार हो गए हैं, टू ए कर्स किसी श्राप के, अर्थात क्या वे किसी श्राप के शिकार हो गए हैं और अथवा आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या फिर वे अभी भी पानी की खोज में जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे, फेंटेड मतलब मूर्छित हो जाना, क्या वे मूर्छित हो गए हैं और डाइड ऑफ थर्स्ट, या वे प्यास से मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, अनेकों इस प्रकार की इच्छाएं एंड ड्राइविन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, इस प्रकार से अनेकों इच्छाएं उनके मन में आने लगी, अनेकों विचार आने लगे एंड ड्राइविन बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, और प्यास से वे अत्यंत व्याकुल भी हो रहे थे। ही गेव अप वेटिंग, उन्होंने प्रतीक्षा करना छोड़ दिया, गेव मतलब छोड़ देना, वेटिंग प्रतीक्षा, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और वे अपने भाइयों की खोज में निकल पड़े, एंड द पूल और तालाब की खोज में, अर्थात अपने भाइयों की खोज में और तालाब की खोज में वे निकल पड़े, होपिंग दैट इस आशा में कि ही माइट फाइंड देम, कि वे उन्हें जल्द ही ढूंढ लेंगे। किसको ढूंढ लेंगे, अपने भाइयों को और तालाब को। नेक्स्ट देखते हैं। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू द ट्रैक फुल ऑफ विल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटिफुल ग्रीन मीडो अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर। बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट।
युधिष्ठिर आगे बढ़े इन द डायरेक्शन उस दिशा में हिज ब्रदर हैड टेकन जिस दिशा में उनके भाई गए हुए थे एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू द ट्रैक्स फुल ऑफ विल्ड और वे जंगली रास्तों पर निकलना शुरू कर दिया अर्थात उस रास्ते की ओर गए जिस दिशा में या जिस रास्ते में उनके भाई गए हुए थे और वह रास्ता जंगली रास्ता था अर्थात सकरा रास्ता था जहाँ से जंगली जानवर आते जाते रहते थे एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट और बहुत घना जंगल था बड़ा जंगल था बर्ड्स टिल ही केम अपान और उस रास्ते में बर्ड्स और बंदर भालुओं का मतलब स्थान था जहाँ से वे उस रास्ते से जंगली जानवर होकर जाया करते थे टिल ही केम अपान ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो और उसके बाद में जब वे आगे बढ़े तो उन्होंने एक हरा मैदान देखा बहुत ही सुंदर हरा मैदान देखा और अराउंड ए पूल और उस तालाब के चारों ओर बहुत बेहतरीन या बहुत सुंदर हरा मैदान था ए पूल ऑफ क्लीन वाटर और उसके बीच में स्वच्छ पानी था साफ बट वेन ही सा लेकिन जब उन्होंने देखा हिज ब्रदर्स लाइन उनके भाई लेटे हुए हैं देयर मतलब वहाँ लाइक समान फ्लैग पोल्स असहाय अवस्था में अर्थात मूर्छित जब उन्होंने देखा कि उनके भाई वहाँ पे मूर्छित अवस्था में लेटे हुए हैं अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ तो उनकी आत्मा दुख से भर गई ही लिफ्टेड हिज वॉइस उनकी ध्वनि जो थी अर्थात उनके जो स्वर थे वह धीमे हो गए एंड वेप्ट और रोने लगे नेक्स्ट देखते हैं ही टच्ड द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट जो कि दे ले वे लेटे हुए थे सो स्टिल एंड साइलेंट बिल्कुल शांत अवस्था में लेटे हुए थे एंड मॉर्न्ड और विलाप करने लगे वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल अवर वर्ब्स और सोचने लगे कि क्या अंत में यही होना था जस्ट वेन अवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड कि जब मेरा अज्ञातवास अर्थात वनवास बिल्कुल समाप्ति की ओर है यू हैव बीन टेकन अवे तब हे ईश्वर आप मुझसे यह सब छीन लें अर्थात युधिष्ठिर सोचने लगे कि हे ईश्वर जब मेरा वनवास बिल्कुल समाप्ति की ओर है तब क्या आप मुझसे हमारे सभी भाई छीन लेंगे क्या आपको यही मंजूर है इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून क्या प्रकृति ने या ईश्वर ने मेरे भाग्य में यही लिखा है एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स जैसे ही उन्होंने अब उनके शक्तिशाली अंगों को देखा नाउ सो हेल्पलेस जो कि बिल्कुल असहाय अवस्था में पड़े हुए थे अर्थात जो कि अब असहाय हो गए थे ही सैडली वंडर्ड और उन्होंने सैडली मतलब दुख भी किया दुख भी प्रकट किया एंड वंडर्ड और आश्चर्य भी हुआ किस बात का आश्चर्य हुआ कि हु कुड हैव बीन इनफ पावरफुल इनफ टू किल देम कि वह भी व्यक्ति जिसने इन सबको मारा है वह भी कोई अत्यंत पावरफुल होगा शक्तिशाली होगा टू किल देम जिसने इनको मारा है अर्थात उनके जो पांचों भाई थे युधिष्ठिर पांच भाई थे और वे पांचों भाई एक से एक बलशाली थे एक से एक पराक्रमी भाई थे तो ये सोचने लगे कि हमारे भाइयों को मारना आसान नहीं है और इस प्रकार से इन लोगों को मारना जिसने किसी भी ने मारा है तो कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति होगा देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल तब इन्होंने तालाब की ओर भी दृष्टि डाली ड्राउन टू द वाटर पानी की ओर बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट क्योंकि उनकी प्यास अत्यंत परेशान कर रही थी अर्थात वे प्यास से व्याकुल थे और एट वंस द वॉइस विदाउट फार्म वार्न्ड और अचानक एट वंस एक फ्रेज है जिसको अचानक बोलते हैं
द वॉइस की ध्वनि विदाउट फॉर्म बिना आकृति की वार्न्ड, इन्होंने इनको चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए हैं। बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मुझको ध्यान नहीं दिया है, अर्थात मेरे शब्दों को ध्यान नहीं दिया और तुम्हारे सारे भाई मर गए हैं। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, वे पानी पीने का प्रयास कर रहे थे विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए, अर्थात वे बिना मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए इस तालाब में पानी पीने का प्रयास कर रहे थे और मेरे शब्दों को नहीं सुना, इसलिए वे मर गए। डो नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करना, अर्थात यक्ष कहने लगा युधिष्ठिर से कि अपने भाइयों का अनुसरण मत करना, कि जिस प्रकार से उन्होंने किया वैसा आप मत करना। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, एंड देन, और तब यू कैन क्विंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष एंड गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, इस कार्य के लिए युधिष्ठिर ने एक क्षण का भी समय नहीं लिया, टू अंडरस्टैंड, समझने में, दैट की, अर्थात युधिष्ठिर को समझने में एक क्षण, युधिष्ठिर ने समझने के लिए एक क्षण का भी समय नहीं लिया। दैट, क्योंकि दीज कुड बी नन अदर, कि वह और कोई नहीं था, देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष, और ये शब्द किसके थे? यक्ष के शब्द थे, अर्थात युधिष्ठिर को समझने में जरा सा भी समय नहीं लगा और वे समझ गए कि ये यक्ष के शब्द हैं। एंड गेस्ट, और अनुमान लगा लिया व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और इस बात का अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक हिम नो टाइम, और उन्होंने समय भी नहीं लिया टू सी, या देखने के लिए, ए पॉसिबल वे, एक अच्छा उपाय, संभव उपाय देखने में उन्होंने समय भी नहीं लिया ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उनको पुनः जीवन में लाने के लिए, अपने भाइयों को पुनः जीवन में लाने के लिए उन्होंने संभव प्रयास करने में जरा सा भी समय नहीं लिया। ही सेड, उन्होंने कहा, अर्थात युधिष्ठिर ने कहा टू द बॉडीलेस वॉइस, बिना आकृति वाले आवाज से, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रिपीटेडली वन आफ्टर अनदर, और जो वह ध्वनि थी बिना शरीर की ध्वनि, वह एक के बाद दूसरे प्रश्न को पूछती। जैसे पहला प्रश्न उन्होंने पूछा, व्हाट रेस्कस मैन इन डेंजर, व्हाट मतलब क्या, रेस्कस रक्षा करता है, मैन इन डेंजर कि मनुष्य का खतरे में रक्षा कौन करता है, अर्थात संकट के समय मनुष्य की रक्षा कौन करता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, करेज, साहस, साहस ही मनुष्य का संकट के समय रक्षा करता है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, यक्ष ने दूसरा प्रश्न पूछा कि किस शास्त्र के अध्ययन से या किस विज्ञान के अध्ययन से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, कि किसी भी शास्त्र के पढ़ने से या किसी भी शास्त्र के अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज बाय एन एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेस्ट विजडम। इट इज बाय एसोसिएशन विद ग्रेट, यह महान लोगों के साथ, इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, महान लोगों के साथ रहने का परिणाम है जिससे कि वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, कि हवा से भी तीव्र गति किसकी है,
युधिष्ठिर ने जवाब दिया, माइंड मस्तिष्क मस्तिष्क की गति हवा से भी तीव्र है। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, कि सूखे तिनके से भी हल्का क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ए सारो स्टिकेन हर्ट, मनुष्य का दुखी हृदय, कि दुखी हृदय से हल्का कुछ नहीं होता है। व्हाट बी फ्रेंड ए ट्रेवलर, कि यात्री का मित्र कौन होता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, लर्निंग उसका अध्ययन, उसका ज्ञान ही एक यात्री का मित्र होता है। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, कि वह व्यक्ति जो आपके घर पे रहता है और आपका सच्चा मित्र है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपके घर पे रहता है और आपका परम मित्र है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, वाइफ पत्नी, पत्नी ही मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। हु एकम्पनीज ए मैन इन डेथ, कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका साथी कौन होता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, धर्म, कि धर्म मनुष्य के मृत्यु के बाद उसका साथी होता है। दैट एलोन, वही अकेला एकम्पनीज द सोल, यात्रा करता है आत्मा के साथ। इन द सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद धर्म ही आत्मा के साथ में यात्रा करता है, अर्थात धर्म ही मनुष्य के साथ यात्रा करते हुए जाता है। विच इज द ग्रेटेस्ट विजल, कि सबसे बड़ा बर्तन या पात्र क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, द अर्थ पृथ्वी, विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, यही पृथ्वी सब कुछ अपने अंदर समा लेती है। इज द ग्रेटेस्ट विजल, यही सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है। हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, कि प्रसन्नता अच्छे व्यवहार का परिणाम है। युधिष्ठिर ने बहुत अच्छे तरीके से इसका उत्तर दिया कि प्रसन्नता, यक्ष ने पूछा है प्रसन्नता क्या होती है, युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि प्रसन्नता अच्छे व्यवहार का परिणाम होती है। व्हाट इज दैट, वह क्या है, बाय गिविंग अप, जिसे छोड़ देने पर, विच मैन बिकम्स लव्ड बाई ऑल, कि जिसको छोड़ देने पर मनुष्य सबके लिए प्रिय हो जाता है, सबके लिए प्यारा हो जाता है। युधिष्ठिर ने जवाब दे दिया, प्राइड घमंड, फॉर, क्योंकि इफ मैन गिव्स अप, यदि मनुष्य छोड़ देता है क्या, बीइंग प्राउड, क्रोधित होना, सॉरी घमंडी होना छोड़ देता है, तो ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वह सबके लिए प्रिय हो जाता है। अर्थात जब कोई मनुष्य घमंड करना छोड़ देता है तो वह सबके लिए प्रिय हो जाता है। व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, कि ऐसी कौन सी हानि है, व्हाट इज द लॉस, ऐसी कौन हानि है विच यील्ड्स, जो प्रदान करती है जॉय, प्रसन्नता को, एंड नॉट सॉरो, दुख को नहीं। अर्थात ऐसी कौन सी हानि है जो प्रसन्नता प्रदान करती है दुख नहीं। युधिष्ठिर ने जवाब दे दिया, एंजर, क्रोध, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हम अधिक समय तक दुख के शिकार नहीं होंगे। सब्जेक्ट मतलब शिकार हो जाना। व्हाट इज दैट, बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच, कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको छोड़ देने से मनुष्य धनवान हो जाता है। युधिष्ठिर ने जवाब दे दिया, डिजायर, इच्छा या लालच, इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनवान हो जाएगा। बहुत अच्छी बात का जवाब दिया है युधिष्ठिर ने, कि यदि कोई भी मनुष्य लालची होना छोड़ दे तो वह सबसे ज्यादा धनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा,
कि व्हाट मेक्स वन ए रियल ब्राह्मण, कि व्हाट मेक्स क्या बनाती है वन एक रियल ब्राह्मण, एक वास्तविक ब्राह्मण, अर्थात कौन सी ऐसी चीज है जो एक वास्तविक ब्राह्मण बनाती है, तो वास्तविक ब्राह्मण में ऐसी कौन सी चीजें होती हैं। इज इट बर्थ, क्या यह जन्म से होता है, गुड कंडक्ट अच्छे व्यवहार से होता है, और लर्निंग या अध्ययन से होता है। आंसर डिस्क्रिप्टिवली, इसका विस्तृत उत्तर दीजिए। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन ए ब्राह्मण, कि जन्म और ज्ञान ये वास्तविक ब्राह्मण के गुण नहीं है। गुड कंडक्ट अलोन डज, कि अच्छे व्यवहार से भी यह सब किया जा सकता है। हाउ एवर लर्नड ए पर्सन मे बी, हम जहां कहीं भी लोगों को शिक्षित करते हैं, उन्हें सिखाते हैं, तो ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, तो वह ब्राह्मण कहे जाने के योग्य नहीं है। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, जब तक अपनी बुरी आदतों को नहीं त्याग कर देते हैं, तब तक ब्राह्मण कहे जाने के योग्य नहीं होते हैं। इवन दो ही मे बी लर्नड इन फोर वेदास, भले ही उसने चारों वेदों का अध्ययन क्यों न किया हो, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास, तो इस प्रकार का व्यक्ति एक निचली शैली में ही प्रवेश करता है, अर्थात वो निचली शैली में ही गिर जाता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया है कि एवरी डे, प्रत्येक दिन मेन, बहुत सारे लोग सी देखते हैं, क्रिएचर डिपार्ट्स टू यम्स किंगडम, यम के दरबार में जाते हुए, अर्थात प्रत्येक दिन प्रत्येक आदमी देखता है लोगों को यम के दरबार में जाते हुए, अर्थात मरते हुए प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन देखता है। एंड येट, और फिर भी, दोज हु रिमेन, फिर भी वे याद करते हैं क्या, और या इच्छा करते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, हमेशा जीवित रहने की इच्छा रखते हैं। दिस इज द ग्रेटेस्ट वंडर, सॉरी दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सत्य ही सबसे महान आश्चर्य है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हमको एक दिन मरना है, इसके बावजूद भी प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हमारी कभी मृत्यु ना हो, जबकि वह जानता है कि ईश्वर उसकी इस विनय को स्वीकार नहीं करेंगे। दस इस प्रकार से द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चंस, यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने इन सब का उत्तर दिया। इन द एंड, और अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवीव्ड, कि वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवीव्ड, कि इन मृत भाइयों में से एक को तुम जीवित कर सकते हो। हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ, अब आप किसको जीवित कराना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्स एंड लोटस आइड ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म नकुल लाइंग लाइक ए फॉलन एवरी ट्री माइट अराइज। इट टुक युधिष्ठिर ए मोमेंट, ऐसा सोचने में युधिष्ठिर ने एक क्षण का समय लिया, टू थिंक या सोचने में, एंड देन और तब, ही विश्ड उन्होंने इच्छा प्रकट की, दैट कि द क्लाउड कम्प्लेक्स एंड कि मेघ वर्ण वाला, अर्थात जिसका रंग बादल के समान है, लोटस आइड
कमल नयनों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला एंड लॉन्ग आर्म्ड और लंबी भुजाओं वाला नकुल, कि नकुल को अर्थात उसमें उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट कर दी कि जिसकी लंबी भुजाएं हैं, चौड़ी छाती है, मेघवर्ण वाला है, कमलवत नयनों वाला है, उसी को मैं जिंदा कराना चाहता हूँ। लाइंग लाइक ए फॉलन एबनी ट्री, जो कि मरा पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है एबनी ट्री की भांति, एबनी मतलब अबनूस पेड़ की भांति या अबनूस वृक्ष की भांति लेटा हुआ है, माइट एराइज, उसे ही जीवित कर दीजिए। द यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष अत्यंत प्रसन्न हुआ। एट दिस, इससे, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, अर्थात इस बात से यक्ष अत्यंत प्रसन्न हुआ और युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, कि तुमने भीम की जगह नकुल को ही क्यों चुना। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है। आई हैव हियर्ड, और मैंने यह भी सुना है दैट कि भीम इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम तुमको सबसे ज्यादा प्रिय भी है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन क्यों नहीं। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म इज योर प्रोटेक्शन, कि जिसकी मतलब तुम्हारा सुरक्षा कवच उसकी भुजाएं करती हैं, अर्थात जिसकी भुजाएं तुम्हारा सुरक्षा कवच हैं। टेल मी, मुझे बताओ, वाई यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना, रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दो भाइयों के अलावा, अर्थात इन दो भाइयों को छोड़कर तुमने नकुल को ही क्यों चुना। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ ए मैन, कि धर्म ही मनुष्य का सुरक्षा कवच होता है, शील्ड मतलब सुरक्षा कवच, एंड नॉट भीम और अर्जुन, ना कि भीम और अर्जुन, अर्थात भीम और अर्जुन मनुष्य के सुरक्षा कवच नहीं है, उसका सुरक्षा कवच ही है उसका धर्म। इफ धर्म इज गिवेन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए तो मैन विल बी रुइंड, तो मनुष्य नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा जब व्यक्ति धर्म को छोड़ देता है। कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां हैं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र हूँ। एंड सो, और इसलिए, शी इज नॉट कंप्लीटली ब्रीव्ड, और इसलिए वह पूर्णतया प्रसन्न नहीं होगी। इन ऑर्डर, इस आदेशानुसार, दैट कि द स्केल ऑफ जस्टिस, कि न्याय का जो तराजू है, मे बी इवन, वह भी यही कहता है, आई आस्क, मैं कहता हूँ, दैट कि माद्री सन नकुल में रिवीव, कि माद्री के पुत्र नकुल को जीवित कर दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा कि न्याय का तराजू भी यही कहता है कि माद्री के पुत्र नकुल को ही जीवित कर दीजिए, क्योंकि उसकी माँ माद्री जो है वह पूर्णतः प्रसन्न नहीं होगी, अर्थात वो अत्यंत व्याकुल होगी, क्योंकि उसकी गोद सूनी हो गई है। मेरी माता की गोद नहीं सूनी हुई है, क्योंकि मैं पुत्र हूँ कुंती का और मैं अभी जीवित हूँ, अर्थात माद्री के पुत्र नकुल को भी अगर जीवित कर दें तो उसकी भी गोद सूनी नहीं होगी। यही धर्म होता है। द यक्ष वाज द मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर्स इम्पर्टेंटली एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ। युधिष्ठिर से यक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए और यक्ष ने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जीवित कर दिया। इट वाज यम, यह यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, अर्थात यह मृत्यु के देवता यम थे। हु हैड टेकन फ्रॉम ऑफ द यक्ष सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम, और यह है, हाँ, हु हैड टेकन द फॉर्म, जिन्होंने रूप लिया था ऑफ द यक्ष, यक्ष का, अर्थात यह मृत्यु के देवता थे, इन्होंने यक्ष का रूप लिया था, सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर,
ताकि ये युधिष्ठिर को देख सके एंड टेस्ट हिम, और उनका परीक्षण कर सके, अर्थात उनकी परीक्षा ले सके। ही इम्प्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया एंड ब्लेस्ड और आशीर्वाद दिया हिम, मतलब उनको। देन ही डिसअपीयर्ड, और उसके बाद में ये अदृश्य हो गए। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। काफ़ी मेहनत करने के बाद आपको इसको हम समझा पाए हैं, और आशा करते हैं आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि अब हमारा लगभग प्रतिदिन एक नया वीडियो आपको पहुंचता है, और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो प्रतिदिन आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।